नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहला था एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल, इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इंटरनल है मतलब इनसाइड द सेल्स होगा, इसलिए इसमें ध्यान देना है कि इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स, इसमें तीन स्टेप्स होगा। पहला है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स, जब आप ब्रीदिंग किए तो जब वो आप ऑक्सीजन को अंदर डाले तो नॉस्ट्रिल के जरिए ऑक्सीजन अंदर गया तो इसमें वो सेल के अंदर चला गया, यानी कि लंग्स के अंदर जब फाइनल डेस्टिनेशन पर गया तो लंग्स के अंदर बैलून लाइक छोटा छोटा एल्वियुलर सैक होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वो चला गया, यानी कि लंग्स के प्रत्येक सेल में चला गया। तो ये पहला हुआ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल्स। दूसरा है अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा उसमें पहले से ब्लड जो है फूड को भी कैरी करके लेगी, आपको पहले भी बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ईच एंड एवरी सेल में जो है वो सॉल्युबल और एकदम सिंपल फूड सबस्टांस चला जाता है, वही डाइजेशन है। और उसमें जब वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुँचता है तो वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आप केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं कि C6H12O6+6O2 और वो ब्रेक डाउन करके CO2 और वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो दूसरा स्टेप पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स की मदद से वो होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इन द सेल्स, सो इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, वो होगा। एंड थर्ड में जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा फूड तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो होगा इन द प्रोसेस एंड इलिमिनेशन फ्रॉम सेल्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, सेल से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस दौरान जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगा। दस कंप्लीट इंटरनल रेस्पिरेशन में इट इज अ फिजियो केमिकल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन सम ऑर्गन, बहुत सारा बॉडी ऑर्गन्स है, जैसा आपने पहले ही बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कि ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं पार्टिकुलर ऑर्गन्स, जहाँ पर ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर CO2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। जैसा हमने पहले बताया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, यहाँ पर क्लियर कट समझ लीजिएगा कि इंटरनल रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर हो गया और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसमें दो प्रोसेस था, एक था आपका जो वो ब्रीदिंग प्रोसेस जो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और दूसरा जो है वो इनसाइड द, वो बाद में जब चला जाएगा अंदर में तो वो इनसाइड द ऑर्गन्स के अंदर जब होगा ऑक्सीजन जब पहुंच जाएगा तो वो था ऑर्गन्स फॉर डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन के जरिए होगा, तो डिफ्यूजन के लिए जो ऑर्गन्स था वही गैसेस एक्सचेंज करवाएगा। तो उसमें जो है बहुत सारा ऑर्गन्स है, जैसे आप यहाँ पर समझिए जैसे स्किन है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में जो डिफ्यूजन थ्रू स्किन होता है वो गैसेस एक्सचेंज का वो सरफेस है, उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म जो मॉइस्ट सॉइल में रहता है, गीली मिट्टी में रहता है, तो उसका स्किन के जरिए ही ऑक्सीजन और CO2 का रिलीज हो जाता है, वो इंटेक होता है और CO2 रिलीज होता है लीच के केसेस में। उसके बाद जो है वो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो कॉकरोच और इंसेक्ट्स जो होते हैं उसमें एक पार्टिकुलर ऑर्गन होता है ट्रैकिया, जो गला के पास है, यानी कि वो स्पाइरेकल्स और के जरिए ट्रैकिया के जरिए करता है। तीसरा ऑर्गन जैसे वाटर एनिमल्स है, जैसे उनके उनमें गिल्स के जरिए ये डिफ्यूजन होता है और ये गैसियस एक्सचेंज होता है, उनका ऑर्गन गिल्स है, फिशेस में, टैडपोल में, वाटर एनिमल्स में होता है। और लंग्स जो है वो चौथा ऑर्गन है फॉर गैसियस एक्सचेंज, जिसमें डिफ्यूजन होगा, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से जब इंटरनल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। अमीबा के केस में जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होता है। लंग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स में बहुत डेवलप है, हम लोग के केस में लंग्स के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और वहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए वो होता है। तो लंग्स जो लिजार्ड में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, लेकिन उनका थोड़ा लोअर लेवल का है, और ह्यूमन बींग्स के केस में लंग्स के जरिए ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये चार ऑर्गन्स था जिसमें, और एक जनरल बॉडी सरफेस, पाँच ये गैसेस एक्सचेंज का।